हे गुरु गोरखनाथ, आगे तो बहुत विशाल नदी है, जिसे पार करना मुश्किल ही नहीं असंभव भी है। हाँ, और हम धद्रेड़ा नगरी तभी पहुँच सकते हैं जब हम इस नदी को पार करें। हे गंगा मैया, मैं और मेरे शिष्य नदी को पार करना चाहते हैं, कृपया आप हमें रास्ता दें। हे माता, मैं गोरखनाथ आपसे विनती करता हूँ, कृपया आप हमें जाने का रास्ता दें। हमें जाने का रास्ता दो गंगा मैया। गोरखनाथ, मैं तुम्हें रास्ता नहीं दे सकती, इसके लिए तुम्हें अपने एक शिष्य की बलि देनी होगी। अगर तुम्हें ये मंजूर है तो मैं तुम्हें रास्ता दे सकती हूँ। हम किसी भी प्राणी की बलि नहीं देंगे गुरु गोरखनाथ, हम कोई और रास्ता ढूंढ लेते हैं। नहीं सुरतीनाथ जी, हम इसी रास्ते से धद्रेड़ा नगरी जाएंगे। क्या कर रही हो गोरखनाथ? मुझे अपने कमंडल में भरकर कहाँ ले जा रही हो? मेरे सूख जाने से सारी सृष्टि में तबाही हो जाएगी। न जाने कितने जीव जंतु जो मेरे अंदर विराजमान हैं, वे बेचारे सभी मारे जाएंगे। तुम्हें इनकी जान लेने का कोई अधिकार नहीं है। जान लेने का आपको भी कोई अधिकार नहीं है माता। मैंने अपने शिष्यों की रक्षा के लिए वह रास्ता पार करने के लिए ऐसा किया है, क्योंकि मेरे शिष्यों की रक्षा करना मेरा दायित्व है। तो ठीक है गोरखनाथ, मुझे अपने कमंडल से मुक्त करो और मैं तुम्हें ये दो फल देती हूँ। किसी समय ये तुम्हारे बहुत काम आएंगे। ठीक है गंगा माता, अब मैं आज्ञा चाहता हूँ।